क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 4 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न दिया हुआ है और इस अर्न में 4 रेड कलर की बॉल और 7 ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है। ये क्लियर? 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें यहाँ से एक एक करके 2 बार एक एक बॉल निकालनी है और जो फर्स्ट टाइम हम बॉल निकालेंगे उसको फिर से इस अर्न में रिप्लेस करना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ 2 इवेंट मान ले, आर एंड बी, आर इवेंट ड्रॉइंग अ रेड बॉल, जो अर्न में से बॉल निकला वो रेड कलर का हो, और बी इवेंट ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, जो अर्न में से बॉल निकला वो ब्लैक कलर का हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, वो जो बॉल निकला है वो रेड कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड है 4 और टोटल है 4 प्लस 7 11, तो 4 बाई 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर बॉल, वो जो बॉल है वो ब्लैक कलर का हो, तो ब्लैक है 7 और टोटल है 11। ये क्लियर? नाउ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है तो इंडिपेंडेंट इवेंट का केस यूज करना है। तो पहला कंडीशन है 2 रेड बॉल्स, मीन्स जो फर्स्ट बॉल आप निकाले वो रेड कलर का हो एंड सेकेंड टाइम भी रेड कलर का ही बॉल मिले। तो ये बन जाएगा PR 4/11 PR 4/11, ये आ गया 16/121। अब 2 ब्लैक बॉल्स, मीन्स फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकेंड बॉल भी ब्लैक, और ये बन जाएगा PB into PB, PB 7/11 into PB 7/11, ये आ गया 49/121। 1 रेड एंड 1 ब्लैक, फर्स्ट रेड सेकेंड ब्लैक नहीं कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 रेड, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो यहां पे 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये हो सकता है कि जो फर्स्ट बॉल है वो रेड हो तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए, और तो प्लस पहला अगर ब्लैक हो तो दूसरा रेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। अगर फर्स्ट रेड सेकेंड ब्लैक लिखा है तो सिर्फ ये आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 रेड एंड 1 ब्लैक बोला है तो यहाँ पे ये दोनों आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा PR into PB plus PB into PR, तो PR 4/11, PB 7/11, PB 7/11, PR 4/11, ये आ गया 28 plus 28 56/121, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।